तो आज है पापा का 75th बर्थडे और हम लोगों ने यहाँ ओल्ड बैंगलोर रिजॉर्ट में ये सब तैयारी की हुई है एंड बहुत सारे लोग आ रहे हैं एंड ये 75th स्पेशल करने के लिए वी हैव डन इट अ लिटिल मोर एलाबोरेटली. सो लेट मी टेक यू थ्रू द बर्थडे पार्टी डेकोरेशंस. ये पूल साइड एरिया में सब जमाया हुआ है. यहाँ पे जूसेस हैं वेलकम ड्रिंक में एंड गोल्डन एंड ब्लैक बैलून्स हैं. पापा वहाँ बैठे हैं. सही लगा है. टेक यू फ्रॉम देयर. Show me the cocktail menu, please. All right, cocktails and gulab jamun, rasam, steamed rice. हेलो मम्मी. हेलो मम्मी. 75 है ना. आएगा. हाँ ठीक. आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया. नमस्ते. यू लुक ट्रूली हैप्पी. हां थैंक यू. हेलो आंटी कैसी हैं आप? हेलो जी ब्यूटीफुल. हाय बढ़िया. हेलो कैसे ये है? हेलो.
नहीं चला बच्चों करके हो गया थैंक यू थैंक यू लगे हैं बिल्कुल लगे और अभी और लगेंगे आगे यार वो कैसे हेलो आइए आइए अंकल मैं आऊंगी हेल्प के लिए ये तो चलने की दिक्कत है ना तो बैठ के इधर आते हैं हाँ जी आपके लिए दो लाइन पेश करे हैं होते रहेगा ये कमाल आप पियोगे 100 साल बिल्कुल कमाल होगा ठीक है ना अब ऐसे सामने सामने ऐसे आइए गुड हेलो हेलो Hi. हेलो हाँ जी हेलो आंटी हाउ आर यू आओ मुबारक हो आपके फ्रेंड का बर्थडे हैप्पी बर्थडे अंकल हैप्पी बर्थडे Thank you.
गलत हो गया। आप राजन मुलाकात तो है ही है। आएगी मम्मी आएगी। हेलो 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 जी। सतीश और ये म्यूज़िक, आपको बुक्स पसंद है इसीलिए, और दारू पसंद है, और यहाँ पे आप हो। और उसको बोला था बुक्स पे बनाओ, बट ये चंद्रकांता और हैरी पॉटर की ऐसी बुक बनाई है उसने। चाय का कप यहाँ पे पापा। हाँ ये भी शौक है उनको, बॉटल तो उधर है ही है। हाँ वेरी गुड। चंद्रकांता हैरी पॉटर पसंद की है। एक्चुअली इस पे ना उसको एक स्क्रॉल भी बना के लगाना था जिसमें आपके फेवरेट जो गाने हैं वो होते हैं। अच्छा, लेकिन हाँ वो पता नहीं उसने लगाई नहीं, अब डांट पड़ेगी उसको। कोई बात नहीं, बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बाद में आप दारू पी भी सकते हैं पापा, बोतल भी खाली कर सकते हैं। बढ़िया बहुत अच्छा लगा पापा। क्या बोल रही थी? आई थैंक यू, आई थैंक यू।
जो हम लोग बात कर रहे हैं भाई, मैंने वो गंदी वाली बातें मैंने रक्षा का वीडियो दिखाया। मामा लाइन में लगे हैं गुलाब जामुन खाने के लिए और अंकल को लाइन में आगे किया है ताकि गुलाब जामुन एक के बाद एक लगे। सी दिस इज हाउ वी शुड बिहेव, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर एल्डर्स। थैंक यू प्रियंका, हैप्पी बर्थडे अंकल, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ वंडरफुल ईयर अहेड। हैप्पी बर्थडे अंकल। सीधे हो जा, सोचे अरे यार यहाँ से शुरू करो। अरे मेघना 2 सेकंड चुप हो जा यार। हाँ अभी फिर से हो गया, नहीं फिर से बोल, ये बहुत आवाज कर रहे थे। हाँ फिर से बोल, अच्छा सा बोल। पापा बर्थडे टेक टू। हाँ बोल, अब सब चुप रहेंगे। हमने सुना नहीं वापस। हाँ एग्जैक्टली व्हाट इज दिस, पहले तो ये नहीं, तुम बोलो, तुम अच्छे से तुम फिर से बोलो एडिट। हाँ हाँ हो जाएगा। हाँ डबल एडिटर बैठा तेरे सामने, क्या बात कर, हो जाएगा। अरे हो जाएगा, बॉस ने बोल दिया। हैप्पी बर्थडे पापा, आई लव यू अ लॉट, हमेशा मैं आपको मिस करती हूँ जब भी आप मेरे साथ नहीं होते हो। अभी ट्रिप में भी अंशिका को मैं वही सारी चीज़ें सिखा रही थी जो आपने मुझे बचपन में सिखाई, वो हर चीज़ इंजॉय नहीं कर रही थी। उसके बाद मैंने उसको बताया कि नाना ने मुझे कैसे ट्रेन किया है और सारी चीज़ें। क्या क्या बताया, कैसे ट्रेन किया है? जैसे हम लोग किसी वाटरफॉल में थे और शी वॉज नॉट कमिंग इन साइड, तो आई टोल्ड हर डोंट थिंक अबाउट अदर्स, ये लोग क्या देख रहे हैं क्या नहीं उसके बारे में मत सोचो, यू एंजॉय योर लाइफ। एंड और क्या बताया पापा ने, हमेशा इंजॉय करना लाइफ, और क्या बताया? लाइफ इंजॉय करो एंड सबसे प्यार करो, जितना प्यार हो सके उतना बांटो और सब लोगों से अच्छे रिलेशंस रखो। हाउ स्वीट। हाँ, सो आई लव यू अ लॉट पापा, बाय बाय, थैंक यू मेघना, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। यस इतने Happy birthday, uncle. There was this one. I remember 2 incidents. Chup, chup. Shh, shh. अपना नाम हो गया। हाँ। हाँ बोलो। फिर से शुरू करना है? फिर से कर दे चल। Okay. Take two है। अच्छा। हम तीनों एक साथ बोलेंगे। Happy birthday, uncle. Okay. There are 2 incidents that I remember. One is when Priyanka and Samir had gone for the US trip and you and auntie had come home for dinner, and you narrated your stories, that is auntie and your stories, which was like so inspiring and it was so much fun, you know, to listen to all that. एंड दी अदर इज यू नो वी मिस आर खाना गाना, जहाँ पे मतलब ना हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ के मतलब दारू पी के बाद में मतलब हम लोग म्यूजिक सुनने जाते थे। सो वी मिस दैट एंड विशिंग यू मैनी मैनी मोर ईयर्स ऑफ गुड हेल्थ हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग, लव यू अंकल। कम ऑन प्रियंका, इज अ डॉक्टर इन लॉ ना, प्रियंका पहले मैं कैमरा में, हां वेरी गुड, यू नो व्हाट, पहले मैं बोलूंगी। हां बोलो, चालू करो अंकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अंकल, जो एल्डर लोग होते हैं उनका लाइफ में इम्पोर्टेंस ये होता है कि वो हमें इंस्पायर करते हैं। करेक्ट, ठीक है। और आपने मुझे आज 1 घंटे पहले जो इंस्पिरेशन दी है, जो मैं पिछले 3 महीने से नहीं कर पा रही हूं, क्या क्या दिए, सब बोल रहे हैं करो करो करो, कम आउट ऑफ इट। यस, लेकिन आपके बोलने के बाद आई रियली गॉट इंस्पायर्ड। जो आपने बोला, क्या बोला, अगर रोड पे 11 से 12 के बीच में तुम अम्ब्रेला लेके वॉक नहीं करते हो तो दैट रोड इज एम्प्टी, करेक्ट, इनकम्प्लीट, एब्सोल्युटली ट्रू। आई गॉट रियली इंस्पायर्ड। और जो एल्डर लोग होते हैं उनका काम यही होता है, ड्यूरिंग योर लो टाइम दे विल
always be there for you and encourage you. And that you have done for me. Screen texting चल रही है. अब मैं next role from Monday onwards I will be on the road. Awesome. कल से. We're doing my walk because of Papa. Thank you Papa. ये तो पक्का मेरे को छोड़ के चलो मैं जाएगी. Love you for that. Thank you Anju. He really loves you too. Yeah. नहीं जीजा जी आप भी बोलिए जीजा जी फूफा जी फूफा जी फूफा जी फूफा जी फूफा जी विड्रॉ करे फूफा फूफा नहीं फूफा नहीं नो फूफा नो 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 यस राजेश राजेश टेल अच्छा सीरियसली अच्छा लिसन आई विल बी बैक बिकॉज सम पीपल आर अबाउट टू लीव तो आप सोच लो सोच के रखो टेक्निकल ग्लिच देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच सो वेट फॉर इट वेट फॉर ग्लिच सुरेश तिवारी एक ऐसे शख्स हैं हाँ. जिनसे मिलकर जिंदगी में मजा आ गया अच्छा अरे गजल भी गाते हैं गाने भी गाते हैं और मतलब कुछ भी कहो हाँ. अच्छा मजेदार बात है कभी नाराज नहीं होते बिल्कुल हाँ. सही हमेशा खुश फहम है हाँ. ओके और मतलब जिंदगी में यहाँ आके पहली बार आप कब मिले पापा से तो आप अरे आप ही ने तो मिलवाया था हाँ करेक्ट हम आपके घर आए थे और आपने कहा पापा को उठा के लेके आई थी कि आइए आइए आपके फ्रेंड आए हैं हाँ फ्रेंड आए हैं आपने इनको बुलाया ये सीढ़ी से यूं उतर रहे थे जी 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 और हम देख रहे थे कि कौन है ये और उसके बाद फिर हमने इनसे कहा कि भाई चलिए शाम की सैर करते हैं हाँ जी तो ये क्रेडिट तो आपको जाता है थैंक यू सो मच एंड वी आर ब्लेस्ड फॉर योर फ्रेंडशिप बिकॉज दैट रियली होल्ड्स हिम एंड इट गिव्स हिम सो मच ऑफ पर्पस व्हाटएवर यू गाइस डू टुगेदर इट रियली रियली इज ऑसम द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप यू गाइस हैव एट दिस एज इट्स इम्पोर्टेंट यू नो वी हैव समथिंग टू डू यस यू नो अदरवाइज वी आर बोर्ड हियर Correct. Yeah. You remember you yourself said. Yes. You know, if you had nothing to do here, yeah. you would feel very bored. Correct. Yeah. And the group you have formed is so amazing. It's actually everyone is blessed to have each other. I feel blessed that I know him. Yes. Maybe it's a... Thank you for both of you. Thank you. For being a part of our lives. Thank you. Papa. He's a good boy. Very good boy. I know him since early 70s. Yes. What did you feel for the first time when you saw him? Well, how did you see him, like first time? That was a very different time. Yes. Or difficult to say. You have forgotten him. Very, 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 very soft spoken and very gentle person. So I as a true gentleman, I remember him. Yes. At that time. At the time of his marriage, yes. The time I married, met him, yes. When he came in Bharat. Yes, yeah. The first time you saw him, it was on Bharat only? Bharat. Oh, before that you didn't see him? No, I was in Bangalore, he was in there. Yeah. Oh, okay, wow. Yeah. And he is still the same person? Yes. I see. Yeah. Thank you, Mama. Okay. First time you saw Mama. The earliest memory I have is of Bhopal and us all going to Kerwa Dam and I remember I slipped in water over there and uske baad do toliya ki lungi pehenkar baitha hua tha aur fir jeep mein ja rahe the so I have all those memories of spending wonderful summer holidays are ha to the stories go on Anything special that you remember about Papa or something? Putting the stitches. Huh. I'm talking to him, and that's the time he says, "Mua ki ghar mein chutti manane aaya." Acha, stitches lagate hue. और एयरगन चलाना भी यहीं पर ही सीखा था अच्छा पापा से हाँ ही लव्स टू यू नो शूट वी लव सीइंग हिज वीडियोस एंड वी कीप फॉरवर्डिंग ऑल हिज वीडियोस सो वी वांट टू सी मोर ऑफ इट व्हेन डिड यू फर्स्ट सी हिम आई थिंक वेडिंग
wedding was the first time you saw them on the stage. Yeah, pretty much. Nice, nice. Yes, auntie. First time you saw Papa. And what did you think about him? I saw him when I was going for a walk. Yes, retreat. And that's where I met him. And I found him a very genuine, sweet person. So sweet. And very friendly. Excellent person to be friends with. Yes. Thank you so much, Andy. This is my fourth meeting. Yes. And I regret. That why is it the fourth? And we regret, of course, that it takes such a long time for us to get you here and call you. And we are at loss of your company. And the prettier of the two. So, tell me about Papa. Like, first time you saw him and how you felt about him or whatever you want to tell. I really don't remember. I remember this meeting. Yes. And the one at your old house. Yes. And the meeting was more on you than him. Yes. So what do you think about him? How is he? He's looking out. Talking about you, not no, him. No, no. I want you to talk about Papa. Papa, udhar jao. Papa, udhar jao, udhar jao. Udhar jao, udhar jao. Main tab se Papa ko bhaga rahi hu idhar. If he's looking after you, I'm so happy. That's all that. Yes, he is looking after all of us. That's true. Really, real family man. Thank you. Thank you so much, Mama, for your blessings. Always, always. Mr. Tiwari. Yes. He's a man. Yes. I met him about 5 years back. That's my phone. The best thing I like about him was a friendly nature. Friendly nature of his and soon we became very close friends. Subsequently, going ahead in time, I realized that this gentleman, Satish Tiwari, happens to be a very good singer. Yes. And not only that, you got to be after him to perform or sing a song. Yeah. He's voluntarily giving you whatever you've been wanting. So all this while, it's been a great journey with him. And today, I feel very privileged to celebrate with him his 75th the milestone birthday. God bless you, Satish. Have a great life, wonderful life, happy, healthy and safe stay. How sweet, uncle. Thank you so much. Thank you. Cheers. They're all smiling. Already wrote on the card. We love Satish, uncle. Thank you so much for loving him. Happy birthday, uncle. Papa, say aapko kuch kehna hai? No, I told you. First time when you met him, how you felt or whatever. Coincidence. I don't want to waste my time. Yes, yes. Please start. Very lovely man. Very simple, kind-hearted, good-hearted human being. And if Sameer even becomes half of this, true, I'll be really happy. True, मैं तो कितना बोलती हूँ उससे कि यार पापा से कुछ सीखो. God bless uncle and may we be there for his 100th to have a drink with him. 100% we'll be there. God bless. We all will be there. Thank you. अरे सोचो तो यार. हाँ uncle. मिल रहा है. हाँ. कुछ पढ़के बताओगे आप? हाँ. बताइए. This is a word for Mr. Tiwari. Okay. On his 75th birthday. Yes. What did you tell him? Tiwari sahab. उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है. सुनो सुनो सुनो, वाह वाह, दांत देनी पड़ेगी, दांत दांत. तिवारी साहब, उम्र का दांत दीजिए, दांत. उम्र का बढ़ना तो दस्तूर जहां है, तो दस्तूर जहां है. उम्र को अगर हराना है, उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए जनाब. क्या बात है. घुटने चले या ना चले,
मन को उड़ता परिंदा रखिए जनाब। मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। क्या बात है। और उनसे हंस के बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग, वेरी गुड, थैंक यू अंकल। मुझे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आई थिंक द थिंग दैट टचेस मी मोस्ट और प्रोबेबली व्हाट आई फील इज मोस्ट 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 लवेबल इज हाउ ही टेक्स केयर ऑफ आंटी। Yes, true. No husband I have seen like that. It's very, care, very it's good. Love. Yes. और मैं शायद हमेशा अपने husband को, समीर को ये बोलती हूँ कि ऐसा होना चाहिए. Correct. मतलब when I see them, correct. I want to be like them when I grow old, when I am 75 years old. Yes. I want to stand like that with him. हाँ. Cutting a birthday cake. Correct. Holding a glass of a good alcohol in my hand. Yes. And having the best time of my life. Yes. And I think मैं उनसे जो सीखती हूँ वो ये है कि how to live life. And it मतलब not only when I grow old, today also, and I'm very proud to say that I follow that. Yes. I do that. I live my life like that. I look at them. I look up to them. And I live like that. I want to live like that. And today also when they were sitting with their friends, and that's exactly what I told my husband, my sister-in-law, that when I grow old, I want to sit like that in a beautiful sari, yes, with my hair cut short, yes, with a glass in my hand, and celebrating my friend's 75th birthday beside a pool on a wonderful evening, yes, laughing, cheering, and yes, there's a bunch of problems with all of us, but it's a part of life. Correct. So we live with it, but not make life out of it. Yes. Our life is not our problems. Our life is our cheerfulness, our joy and happiness. Correct. So lots of love to you, lots of I can't bless you, but I can only say that, you know, God keep you away from all evils. Stay the way you are. Keep inspiring us. Yes. Make us learn how to live life. And I hope, I just can hope, I don't know how it's going to be, but I can just hope I can live like you someday when I'm 75, yes, and dancing on my 75th birthday with a cake which says that I'm living my life. Correct. True. And true. And also not to forget, thank you to Priyanka Bhabhi, Sameer Bhaiya, so sweet, Swati Bhabhi, Akash Bhaiya, all the family members, all the kiddos, yeah, who make us a part of their celebration. So correct. It's not conceited, it's with all of us, it's spread with, and that's all the love. What I love about all this. Correct. So how sweet. Please, one thing I want to add, bolo jo uncle ka jo cheez hai aaj 75th birthday hai, every old person want to celebrate like that only, but the one difference which is noticeable, that is Priyanka and Sameer. Oh. Who make it possible? Nahi yaar, so I would say it's all I of us. Ki my daughter-in-law should behave the way Priyanka. Love you, so sweet. Thank you. Love you. But I really feel that it's all of us that make it special for him. I alone couldn't have done it. But it's Priyanka, all of you. Ek ek ka presence jo hai aaj, that is very important. जहाँ से सोच शुरू होती है ना, वहीं पे वो चीजें पूरी होती हैं। तो जहाँ से शुरू हुई है ना, आशोश्री, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू टू। मैंने ये चीज यहाँ बैठे बैठे राजेश को भी बोला। अल्ले अल्ले, थैंक यू सो मच। मैंने कहा, the difference is Priyanka. Love you for that. Thank you so much. She is really true. और मैं बोलना चाहती हूँ, I have such a good family. जितने वी हैव अ गुड फैमिली, या सो वो लोग सब मेरे दिल की बात, जैसे अभी रुचि ने बोली, मैं जो बोलना चाह रही थी, इसमें सारे वर्ड्स
उसको दे दिए. सो आई एम सो हैप्पी कि दे ऑल आर फीलिंग वॉट एवर आई एम फीलिंग लाइक. यस यस ऑफ कोर्स एवरी वन हैज लव एंड अप्रिसिएशन फॉर हिम बिकॉज ही इज द काइंड ऑफ पर्सन who inspires and you know he gives without even asking. He is one father who has lots of daughters. Yeah, true. Yes, he has that kind of a vibe where everyone feels protected and you know he has lots of daughters and all his daughters loves him a lot. Correct, true. Yes, both mama and papa. और उनको अगर कोई पापा बोल दे तो ऐसी responsibility आती है ना उनके ऊपर. तो हाँ seriously. ये जो अगर इफ देयर इज एनी मेड हाउस हेल्प दे आर नॉट अलाउड टू से पापा टू हिम क्योंकि ही फील सो रिस्पॉन्सिबल या भैया नहीं बोलना है ही फील सो रिस्पॉन्सिबल अंकल बोलो बहुत प्यारा वही तो रुक रुक इतने प्यारे हो यार इतने प्यारे हो यार कहाँ से तुम लोग प्यारी प्यारा तो उसी के दोस्त भी ऐसे प्यारे नहीं यार तुम लोग ना पत्थर को भी मतलब फीलिंग दे सकते हो सीरियसली बोल रहे नहीं प्रियंका नहीं प्रियंका बच्चा गुड गर्ल यू आर तुम लोग किसी इंसान के जो स्ट्रेस है ना उसको जीरो कर सकते हो कम नहीं तो जल्दी जल्दी आ जाए कर अंदर तुझे आना चाहिए हम यार तुम्हारे जो पिक्चर्स हर जगह देखी ना उस दिन मैं मेघना को बोला मैंने कहा माय हाफ टेंशन वाज गॉन मतलब लव दैट पिक्चर्स यार मतलब बहुत चीज है प्रियंका मैं पीछे बोल रही हूँ मुझे बोल रही हूँ तेरी ऐसे डॉटर इन लॉ सीरियसली मुझे मिल जाए ना मैं तो मतलब नहीं I do this for them because they really deserve it. They really do truly deserve it. They बहुत प्यारी हैं seriously बहुत प्यारी हैं बहुत प्यारी हैं एक अकेले हाथ से ताली नहीं बजती बेटा लेकिन ना ताली बजाने के लिए रोड तैयार रहते हैं ताली सामने से देने के लिए लोग तैयार नहीं रहते हैं ये भी है वो इनिशिएटिव से आनी चाहिए वो इनिशिएटिव करेक्ट बहुत जरूरी होता है और वो इनिशिएटिव तूने लिया है सो स्वीट लव यू थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग माय अंकल स्माइल नहीं यार दिखता है मैंने कहा ये सब चीजें है ना बिकॉज ऑफ प्रियंका रियली लव यू यार लेकिन कम मिले जो भी मिले ना लेकिन यू आर वेरी क्लोज टू माई वेरी वेरी क्लोज टू माई मतलब यू आर फैमिली टू मी मतलब मैं खुद भी नहीं ले सकती थैंक यू सो मच आकाश का लेना हाँ अभी लेना है उनको बता के आई थी हासिल कर रहा हूँ आपका पहले नहीं नहीं सबका हो गया मैं क्या बोलूँ समझ नहीं आ रहा तो फर्स्ट टाइम व्हेन यू मेट पापा सबसे पहले कैसा लगा आपको सबसे पहले कैसा लगा आपको पापा से मिलके और क्या दिमाग में आया फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो पापा जी को बहुत पहले से जानता हूँ जब से मैं और समीर फ्लाइंग क्लब में फ्लाइंग कर रहे थे तब से और स्वाति तो खैर बहुत बाद में आई लाइफ में बट अंकल मैं पहले अंकल बोलता था अभी मैं पापा बोलता हूँ तो ही वॉज मोर ऑफ अ फ्रेंड फ्रॉम दैट टाइम एंड टिल टुडे वी हैव अ सेम काइंड ऑफ अ कनेक्ट बॉन्ड एंड वी आई मीन वी शेयर द ग्लास वी शेयर द स्मोक वी हैव डन एवरीथिंग सो आई जब आप पहली बार पापा को ये पूछने जा रहे थे कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ आपके दिल में क्या चल रहा था और उसके बाद में वहाँ पे जाके जब आप मिले तो आपको क्या आपका ओपिनियन फॉर्म हुआ उनके लिए आई डोंट वॉन्ट द स्टोरी कि वो तो सबको पता है कि क्या बोला आपने लेकिन उसके पहले का आपके इमोशंस एंड बाद के इमोशंस पापा के साथ मैं सही बताऊं तो मैं काफी कुछ चीजें भूल चुका हूँ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं चीजें क्यों याद रखना स्ट्रेसफुल चीजें क्यों याद रखना मेरे को एग्जैक्टली टेक टू मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट इट वाज अ वेरी स्मूथ सेल देयर वाज नो हैसल ये औरतें बहुत हंसती हैं चुप मैं सच बता रहा हूँ गीता पे हाथ रख के बोल रहा हूँ
क्या बोल रही गीता का है गीता के ऊपर हाथ स्वाति गीता पे हाथ रख रहा है ये देखो ये नामकरण हो गया दूसरा इनका ये गीता कौन है और मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ मुझे पसंद है और मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ ये शादी नहीं करना चाहता था जा रहे बाद में जाके घर पे जाके पिटाई होएगी आई आइए जल्दी आइए आपकी कमी है इनको फंसाया गया शादी में वेरी ऑनेस्टली टेक थ्री टेक थ्री हैप्पी बर्थडे डैड यू हैव बीन ऑलवेज अमेजिंग एंड मोर ऑफ एज अ फ्रेंड रादर देन फादर इन लॉ स्टे हेल्दी स्टे स्ट्रॉन्ग एंड एंजॉय योरसेल्फ वी'ल हैव मोर ऑफ दीज इन द इयर्स नेक्स्ट इयर्स यस वी विल थैंक यू आप मेरे सबसे बिगेस्ट सपोर्टर हो और जो आपने अपनी लाइफ में अचीव किया है आई होप कि मुझे भी ऐसे एक्सपीरियंसेस और ऐसे दोस्त बनाने को मिले जैसे आपके अभी हैं और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग फर्स्ट ऑफ द मेमोरीज दैट यू हैव ऑफ द नानू व्हेन यू वर अ चाइल्ड एंड द फर्स्ट मेमोरीज दैट यू हैव फर्स्ट ऑफ द मेमोरीज मुझे ये याद नहीं सबसे शायद मैं जब घंटी लेके आपको आपको और नानी को योगा करवाती थी हॉस्पिटल में और कौन सा वो जो चावल बिनने में तुम्हें बहुत मजा आता था तो नानी लाके चावल का थाली रख देती थी एंड देन यू वुड जस्ट फिल आउट द चावल ऑल अराउंड यू वांटेड टू डू दैट लव्ड इट एंड You used to sleep between me and mummy. Achha. And you were so small. Ek ya do saal ki hogi. And then you'll just, in the middle of the night, you'll crawl onto my bed. And then you'll guzzo inside me ki you are my mother. Then I'll dheere se utha ke, dheere se phir mummy ke paas tumhari rakhti thi. And then again, you'll dheere se crawl onto me. Then I'll just tuck you in taki tum gir na jao. So sometimes you'll go to the... That side. And I was like, abhi ye giri. So then I'll turn my back for waah, taki it's like a barrier for you and you don't fall. And then Swati will get up and say, kahan gayi? Bole, yahan hai. Yeah, so we used to do that. But what, Clinton, you didn't recognize her? Main toh shock ho gaya. Main toh photo ka time hai. Yeah, correct. You didn't recognize her, that it's your wife, no, and she might come. I'm like, no girl comes next to me, aajkal. It's only because you're here, he's saying that. Nahi toh, he knows. Uday, look who's here. I know, I saw her. Bangladesh, you are not. Barish ho rahi hai na. Who's it? Judy, you're here. बहुत काम करके आई बेचारी गॉड ब्लेस फाइनली जूजी आफ्टर फिनिशिंग हर वर्क वर्किंग वुमन शी इज
Thank you, everyone. Thank you all for getting this day so, so special. Cheers, cheers, cheers. Whoever planned this cake. That is Priyanka. Thank you. So this about 10 years back. Okay, so how? What did you think of him, or what do you think of him now, or whatever? Any incident? He's a rocket. Satish is a rocket. Yes. And I just mentioned to him that on his 75th, when we wished him today, yes, I want to have a drink with him on his 100th. Yes, 100%. We'll be doing a bigger party over here. Good. For his 100th. All the best to us. Thank you so much, Angle. Thank you for coming. Bye bye. तो ये जो है ये प्रियांका बर्थडे गिफ्ट दिया है दादू के लिए. ये मिक्सिंग करने के लिए यहाँ पे बॉटल है ऐसी वाली, और मैजिकल वो बनाया प्रियांका ने. इसमें ये दो बॉक्सेस हैं बॉटल्स, इसमें लिखा है 333 और 555, और फिर रूल बुक है यहाँ. यहाँ पे है जो भी. हाँ ऑब्वियसली उसको पता है ना कि दादू तो पढ़े लिखे हैं. ये रूल बुक बनाई है कि ये मैजिकल पोशन को कैसे मिलाना है, और मैजिक में क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट मिक्स 333 विथ 555 इन द स्मॉल बाउल, देन मिक्स इट फॉर 20 seconds. और सेकेंड रूल क्या है, यू कैन डू एनीथिंग यू वॉन्ट टू. अरे वाह, इट्स सो मैजिकल, यू कैन डू एनीथिंग यू वॉन्ट टू. तो ये 333 और 555 को यहाँ पे मिक्स करना है, अच्छे से शेक करना है. और पूरा का पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा डालेंगे तभी मैजिक होता है, नहीं तो फिर पूरा मैजिक एक ही बार में हो जाएगा ना खत्म. हाँ बहुत अच्छा मैजिकल थिंग बनाई प्रयान, बेस्ट गिफ्ट, वेरी वेरी गुड. इतना मैजिक खत्म भी हो गया. नाइस प्रयान, वेरी गुड. Nice, Priyan. Very cool.